Hey guys, welcome back to आपके प्रिय चैनल वेन फिटाडा। आज के इस वीडियो आप लोगों के लिए खास रहेगा क्योंकि इस वीडियो में जैसे पहले ही वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैं जो इन्वेस्टिंग करता हूँ कॉइन्स में, क्रिप्टो करेंसी में, ट्रेडिंग, उसके बारे में आज आप लोगों को ये बताऊँगा कि एक कौन सी क्रिप्टो करेंसी है जिसको आप लोगों को अभी के टाइम्स पे चूज़ करना है या आगे जाके एक वीक या दो वीक के अंदर आप लोगों को उसी को ही चूज़ करना है। ठीक है, बेस्ट टाइम पे चूज़ करना ही आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहता है। ठीक है, सो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एंटायर में मैं आपको बताऊंगा क्या कौन सा है। ओके, सो गाइस वेलकम बैक। और ये है आप लोग के इंटरफेस कॉइन स्विच कुबेर में। ठीक है, ऐसा कुछ इंटरफेस था जैसे कि मैं आप लोग को लास्ट टाइम बताया था कि मेरा कोई मतलब लॉस हो गया था बहुत सारा, तो इस टाइम मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ कि गाइस देख लो मेरा बहुत अभी भी बहुत प्रॉफिट में ही हूँ मैं। ठीक है, अभी इसकी वैल्यू अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा 21% बढ़ गया है। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ ट्रांजेक्शन पे। लास्ट टाइम मैं सब सोल्ड करके परचेज़ किया था 3000 में, अभी आप लोग देख सकते हैं 3635 है। मतलब मैं कब ख़रीदा था वो आपको दिखा देता हूँ। ये है 29 अप्रैल और आज है 1 मई, मतलब दो दिन में मुझे 635 रुपये का प्रॉफिट आप लोगों को देख सकते हैं। ठीक है, बस ये एक ही मतलब क्रिप्टो करेंसी में अभी बिटकॉइन के प्राइस थोड़ी बहुत बढ़ गया है 45 लाख और यहाँ पे सेलिंग प्राइस 44.7 लाख है, तो इसीलिए यहाँ पे भी कुछ अमाउंट जैसे कि 1.9% जो कि इतनी भी बड़ी नहीं है उसकी आप लोग मुझे यहाँ पे प्रॉफिट मिला है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम मार्केट पे आएँ तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कॉइन है जहाँ पे आप कह सकते हैं क्रिप्टो करेंसी है जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं तो अच्छा है। ठीक है, अब पर आज मैं दो कॉइन बताऊँगा जो कि है यहीं पे ही, मतलब दूसरे मतलब मुझे नहीं पता कि दूसरे में बेचता है या नहीं। डॉज कॉइन तो हर जगह बेचता है और डिजीबाइट ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये हर जगह नहीं बिकता है। ठीक है, दूसरे एक दो प्लेटफॉर्म है जैसे कि वजीरएक्स हो गया और एक दो है कॉइन बेस है, वहाँ पे कॉइन बेस में शायद आई गेस नहीं मिलता है डिजीबाइट, ये बस ये कॉइन स्विच कुबेर और भी डिजीबाइट का अलग ही प्लेटफॉर्म है। ठीक है, मेरे जो रिसर्च में ऑलरेडी किया हूँ डिजीबाइट आप लोगों को बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट देता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ मैं 28 को जो खरीदा हूँ उसका दिखाता हूँ। ये है 28 का रिपोर्ट, मैं ऑलमोस्ट 10 रुपये के आसपास खरीदा हूँ, 9.94, ये आप लोग देख सकते हैं मैं एवरेज बाय प्राइस 9.94 में खरीदा हूँ। ठीक है, अब डिजीबी में टोटल 301.55 to 218 इसके हिसाब से खरीदा, अब मेरा 21% का प्रॉफिट है। अगर आपका जितना वैल्यू रहता है उससे ये मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देता है। ठीक है, अब आपको सही टाइम का इंतज़ार करना रहता है। ठीक है, अब आपको मैं बता सकता हूँ, देखो गाइज एक महीने का मैं आपको दिखाता हूँ एक बार रिपोर्ट। ये देखो 13 रुपये था किस टाइम पे, अब देखो इसकी वैल्यू मतलब बहुत गिर गया था कब ना 22-21 तारीख को इसकी वैल्यू 9 रुपये के आसपास आ गया था, मतलब 26-27 ये देखो 7.55 को है 23 तारीख को था। ठीक है, अब जब जिन लोग 7 रुपये के हिसाब से ख़रीदे हैं, 7 रुपये या 8 रुपये के हिसाब से मतलब 10,000 का ख़रीदे हैं, ठीक है मान लो कि 7 रुपये का 7,000 खरीदे हैं, ठीक है टोटल 7,000 इन्वेस्टेड है। अब मैं बात करूं 7,000 का, अगर 7 रुपये 10 रुपये हो जाता है, मतलब 7,000 अगर कोई बंदा इन्वेस्ट किया है तो 3,000 डायरेक्टली बढ़ता है, 10,000 होता है। अब सिमिलरली यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हो कि 12 रुपये है, अगर आप 7 रुपये के भाव पे 7,000 टेका का ख़रीदे हो तो 7,000 अभी 12,000 हो जाता, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 70-80% आपका इंक्रीज हो जाता। ठीक है, मतलब अगर आप 10,000 के बदले 10 लाख डाल देते, मतलब 7,000 के बदले में अगर आपके पास 7 लाख रहता तो 7 लाख अभी आपके पास ऑलमोस्ट 13 लाख हो जाता। ठीक है, मतलब ये जो 13 लाख मैं बोल रहा हूँ वो बाय प्राइस का है, बट वो सेलिंग प्राइस आप लोगों को 12 रुपये है, मतलब वही 12 लाख आप लोगों को मिल जाता, ऑलमोस्ट टू ऑलमोस्ट 4 लाख 4-5 लाख का प्रॉफिट आप लोगों को मिल ही जाता। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सी अच्छी चीज़ है अभी इन्वेस्ट करना। देखो गाइस अभी मार्केट अप में है, पूरा का पूरा अप में टप में चल रहा है। ठीक है, 6.31 का प्रॉफिट है। ठीक है, मैं आपको दो ही चीज़ बताऊंगा, एक तो है डिजीबाइट, इसी को प्रेफर करता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर ये अभी
उठा हुआ है, बट इसकी जो ग्राफ मुझे शो करता है अगले 3-4 दिन के अंदर ये ग्राफ डाउन आएगा, ठीक है। 10 रुपये जब होगा तब इसको खरीद लो, ठीक है। अगर आपको 10 रुपये में अच्छा लग, मतलब 10 रुपये में अगर आप करते हो, क्योंकि मैं पिछले 2-4 वीक से बस डिजी बाइट के ऊपर ही फोकस कर रहा हूँ, मतलब पिछले 2 महीने से ही देख रहा था कि ऐसा ऐसा हो रहा है। बट डिजी बाइट ये क्या कर रहा है ना, 8-9 में आपकी पैसा ही रखता है, ठीक है, 8-9 में रखता है और उससे नीचे आप लोगों को करना ही नहीं देता है, ठीक है। यही कुछ खासियत है यहाँ पर, ठीक है। पहले इसकी वैल्यू तो बहुत गिरी हुई थी, अभी इसकी वैल्यू बहुत बढ़ गया है। हाँ ठीक है, ऐसा होता रहता है क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी की मार्केट है, यहाँ पर ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं कि अभी ट्रेडिंग क्या हो रहा है, मतलब अभी सभी बंदे सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर रहा भाई, मैं करूँगा, ठीक, टाइम आने दो, ठीक है। अब डॉज कॉइन की बात करें, यहाँ पे मेरा जो वैल्यू था यहाँ भी मैं सेल कर लिया हूँ, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे कितना आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ, 335 + 203, ये ऑलमोस्ट आप लोग कह सकते हैं 538 के आसपास मैं खरीदा था टोटल मेरा था। अब मैं 628 में ऑलरेडी बेच दिया हूँ, मुझे लगा कि यार यहाँ पे कुछ मतलब और नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मैं 28 रुपये में ही बेच दिया हूँ, अभी थोड़ी सी 0.16 प्रॉफिट हो गया है, ठीक है गाइज, ऐसा होता रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके ऊपर वो ऑलमोस्ट नहीं जा सकता क्योंकि 28 रुपये ही मार्जिन पे चलते हैं। अब यहाँ पे इसके बाद गिरेगा, बहुत बड़ी गिरेगा, ठीक है। आप लोग सेम देख सकते हो, यहाँ पे भी वही ऑलमोस्ट, देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, 27-28 रुपये था पहले, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 39 रुपया आ गया था, ठीक है, 39 आ गया था, अब देखो 28 आ गया, ठीक है। मतलब अगर आप टोटल ऑल ओवर बात करिए, ये 27-28 तक आता है। अगर आपके पास 19 या 20 रुपये ये जब ये भाव में सेल हो रहा है ना, तभी खरीद लेना चाहिए। अभी इसी टाइम पे आप लोगों को अगर ख़रीदना चाहते हो तो डिजी बाइट या डॉज कॉइन चूज़ करो, ये नहीं तो ऐसे बहुत सारे कॉइन है जैसे IOST है, वो भी अच्छा खासा आप लोगों को प्रॉफिट दे भी सकता है, ठीक है। मैं ये गारंटीड आप लोगों को नहीं कह सकता क्योंकि यहाँ पे भी मैं प्रॉफिट कमाया हूँ भाई, देखो आप लोग खुद देख सकते हो, IOST में भी मैं कमाया हूँ, क्योंकि मुझे भाई मार्केट में अगर आप उतरोगे, अच्छे से जांच करोगे, तो आपको एक ना एक क्रिप्टो करेंसी तो मिल ही जाएगा जहाँ पे आप लोग को प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। मेरा कहने का वीडियो में यही मतलब था कि अभी 2 कॉइन बहुत बूम है और अब अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो डिजी बाइट या डॉज कॉइन इन्वेस्ट करो, बेस्ट आप मतलब अभी तक का मुझे जो लगता है, ठीक है। अगर गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी वीडियो देखने के लिए डेफिनेटली आप लोग हमको कमेंट कर सकते हो, ओके। अगर आपको प्रेडिक्शन चाहिए वो भी मैं बता देता हूँ गाइस, डिजी बाइट अभी मेरे लिए फेवरेट हो गया है और डॉज कॉइन तो है ही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि आपको भी पता होगा इलन मस्क का 1-2 कमेंट डाल देता है तो यहाँ पे बढ़ जाता है भाई प्राइस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।